फेरिक आयन गुड आफ्टरनून बच्चों गुड आफ्टरनून बच्चों, स्वागत है आप सभी का। सारे लोग जल्दी से लाइव आ जाओ फटाफट। सोनू पाल, प्रफुल्ल उत्तम, हरीश कुमार, सभी विद्यार्थियों को गुड आफ्टरनून, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद। स्वागत है सभी का। आर शर्मा कुसरो बेटा, सभी विद्यार्थियों का स्वागत है उत्तर प्रदेश के नंबर वन कोचिंग संस्थान तिवारी एग्रीकल्चर अकेडमी में। सारे लोग लाइव जुड़ जाए फटाफट। जितने भी विद्यार्थी लाइव आ चुके हैं फटाफट जो है जय हिंद लिखे सभी लोग जल्दी से। अंकित कुमार कुसरो बेटा, सत्यम कन्नौज नमस्ते, अजय कुशवाहा नमस्ते, सागर त्रिपाठी गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। सारे लोग आ जाओ फटाफट। आयुष वाजपेयी, अर्चिता, प्रियांशु शुक्ला, सागर त्रिपाठी, जय सिंह, विकास पाल, अमन गौतम गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। जल्दी से लाइव जुड़े सभी लोग फटाफट जल्दी से आ जाए। चलिए, जो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे काफी दिन से हम लोगों ने पढ़ा भी नहीं, ठीक है। तो लास्ट टाइम जो हम लोग कुछ फार्मूले देख रहे थे जो पॉइंट वाइज केमिस्ट्री हम लोगों की चल रही थी ऑर्गेनिक, उसी में बीच में हम जो है केमिस्ट्री की कुछ फॉर्मूले बता रहे थे, है ना, पढ़ा रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन बीच में कुछ सूत्र आ गए थे। तो सूत्र का भी नॉलेज रखना बहुत जरूरी है, फॉर्मूला भी जानना बहुत जरूरी है, बिना फॉर्मूले के काम नहीं चलेगा। तो फॉर्मूला भी सीखिए आप लोग, ठीक है, बीच बीच में फॉर्मूला का भी रिविजन करते रहिए। सोडियम क्लोराइड सबको पता है NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, और एक और लिख लो पोटेशियम क्लोराइड KCl, पोटेशियम क्लोराइड लिखते चलना उसी के आगे, केमिस्ट्री की कॉपी निकाल लो, पोटेशियम क्लोराइड, इसे कहते हैं म्यूरेट ऑफ पोटास, इसे कहते हैं म्यूरेट ऑफ पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास कहा जाता है पोटेशियम क्लोराइड KCl। सोडियम क्लोराइड इसे साधारण नमक कहते हैं, NaCl का मतलब होता है साधारण नमक, पोटेशियम क्लोराइड को म्यूरेट ऑफ पोटास कहा जाता है, ठीक है, ध्यान देना। नवसादर का क्या सूत्र होता है NH4Cl, इसका क्या नाम है अमोनियम क्लोराइड, इसको कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl का मतलब है अमोनियम क्लोराइड नवसादर, अमोनियम क्लोराइड का मतलब नवसादर, ठीक है। प्रदीप सिंह नमस्ते, मुकेश हुसैन गुड आफ्टरनून, सभी लोग जल्दी से लाइव जुड़े फटाफट, अभी भी सारे लोग जुड़े नहीं है जल्दी से जुड़ जाए फटाफट, ठीक है। तो यहां पर KCl पोटेशियम क्लोराइड होता है जिसे म्यूरेट ऑफ पोटास कहते हैं, नवसादर होता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl होता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, अगले पॉइंट की चर्चा करते हैं। यहां पर देखिए फेरिक क्लोराइड, अब हम आपको बता देते हैं, देखो ये अभी के ऊपर अगर दो प्लस है इसे कहते हैं फेरस आयन, ये फंडामेंटल नोट कर लो, इसे कहते हैं फेरस आयन, अगर Fe के ऊपर दो प्लस है तो फेरस आयन, और Fe के ऊपर अगर तीन प्लस है इसे कहते हैं फेरिक आयन, फेरिक आयन, Fe के ऊपर तीन प्लस है फेरिक आयन हो जाएगा, फेरस आयन और फेरिक आयन। Cl का मतलब होता है क्लोराइड आयन, Cl माइनस आयन का क्या मतलब है क्लोराइड आयन, दिस इज क्लोराइड आयन, ये क्लोराइड आयन है। देखो यहां पर Fe के ऊपर डबल प्लस है, Cl के ऊपर एक माइनस है, सूत्र यहां पर बनेगा FeCl2, FeCl2 बनेगा, इसे कहते हैं फेरस क्लोराइड, इसका नाम है फेरस क्लोराइड, FeCl2 का नाम क्या है फेरस क्लोराइड, दिस इज फेरस क्लोराइड, और Fe के ऊपर तीन प्लस Cl के ऊपर एक माइनस, तो FeCl3 हो जाएगा, ये हो जाएगा FeCl3, इसका नाम फेरिक क्लोराइड, FeCl3। अखिलेश यादव कह रहे हैं गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी तो आई है बेटा, गर्मी तो आई है भयानक, है ना, गर्मी तो है। फेरिक क्लोराइड FeCl3, फेरिक क्लोराइड हो जाएगा, FeCl2 क्या होगा फेरस क्लोराइड, FeCl2 का मतलब फेरस क्लोराइड, ठीक है। इतनी बातें आप लोग नोट कर लें, इतना नोट कर लो सब लोग, ठीक है। आयुष कुमार मौर्य गुड आफ्टरनून, कोमल राणा जय हिंद, ठीक है। चलो भैया, फेरस आयन यहां पर ये होता है Fe के ऊपर तीन प्लस फेरिक आयन, हीमोग्लोबिन में आयरन धातु पाई जाती है,
हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन में ये कई बार हम बता चुके हैं, हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली धातु, पाई जाने वाली, हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली धातु, हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली धातु आयरन, लोहा, लोहा किसके रूप में? फेरस आयन के रूप में, फेरस आयन के रूप में, इस रूप में लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, ये अभी के ऊपर 2+ फेरस आयन के रूप में पाया जाता है, फेरस आयन के रूप में पाया जाता है। ध्यान देना, आयरन तो पाया जाएगा लेकिन किस रूप में? ये अभी के ऊपर 2+ के रूप में। हीमोग्लोबिन में जो धातु पाई जाती है उसकी ऑक्सीकरण संख्या, हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली धातु की ऑक्सीकरण संख्या, धातु की ऑक्सीकरण संख्या पूछ लिया जाए, ऑक्सीकरण संख्या, हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली धातु की ऑक्सीकरण संख्या। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, ये अभी 2+ के रूप में, तो आयरन के ऊपर 2+ होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? +2, इसका आंसर होगा +2। ठीक है, हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली धातु की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? +2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन में आयरन तो पाया जाता है फेरस आयन के रूप में, इसके ऊपर 2+ है, जितना प्लस है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या है, तो यहां पर कौन क्या आंसर होगा? +2 हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल, कई बार हम बता चुके हैं पेपर में, जो टेस्ट इस समय चल रहा है 2 से 3 बार हमने टेस्ट में ही दे दिया है, लैक्टिक अम्ल का सूत्र CH3COH COOH, इसका ऐसे भी बना सकते हैं, यहां पर CH3 है ना, यहां पर COOH, यहां पर OH, यहां पर H, देखिए CH3COH COOH, कभी कभी ऐसा स्ट्रक्चर बना के दे देगा, ये है लैक्टिक अम्ल CH3COH COOH, ये लैक्टिक अम्ल होता है, इसे लैक्टिक अम्ल कहते हैं, CH3COH COOH, दिस इज लैक्टिक एसिड, इसे लैक्टिक अम्ल कहा जाता है, CH3COH COOH। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, लैक्टिक अम्ल का सूत्र याद रखना CH3COH COOH, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसे नमक का तेजाब कहते हैं, सूत्र होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या नमक का तेजाब, नोट कर लो HCl होता है। नाइट्रिक अम्ल जिसे सोरे का तेजाब कहते हैं, HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नमक का तेजाब, HCl होता है। नाइट्रिक अम्ल जिसे सोरे का तेजाब कहते हैं, इसका सूत्र होता है HNO3, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, ये भी दोनों फार्मूले नोट कर लो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नमक का तेजाब, नाइट्रिक अम्ल सोरे का तेजाब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आलोक उपाध्याय, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समावयता, लैक्टिक अम्ल प्रकाशिक समावयता दर्शाती है, लिख लो जरा ये पॉइंट, लैक्टिक अम्ल में समावयता होती है, आइसोमेरिज्म, लैक्टिक अम्ल में समावयवता होती है, आइसोमेरिज्म होती है, इसका आंसर है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समावयता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है, नोट कर लेना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्यों होती है? क्योंकि इसमें अनसिमेट्रिकल कार्बन होता है। देखो यहां से इस कार्बन से अलग ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये ग्रुप अलग जुड़ा हुआ है, यहां पर ये वाला ग्रुप अलग है और ये वाला ग्रुप अलग है। जब कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं अलग अलग ग्रुप से कंप्लीट होती हैं, ऐसे कार्बन को असममित कार्बन कहते हैं, इसको कार्बन को कहते हैं असममित। क्या बोलते हैं? असममित कार्बन। जब किसी यौगिक में किसी कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग समूहों से पूरी होती हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ऐसे कार्बन को क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिकल कार्बन। इसको बोलते हैं काइरल कार्बन। ठीक है, इसको काइरल कार्बन कहना ज्यादा सही है, इसको असिमेट्रिकल कार्बन ना कहके इसको यहां पर हम लिख दे रहे हैं, इसको कहते हैं काइरल कार्बन या किरेल कार्बन, इसे किरेल कार्बन
या अनसिमेट्रिकल कार्बन, अनसिमेट्रिकल कार्बन या किरेल कार्बन कहते हैं, और जिसमें किरेल कार्बन होता है वह यौगिक लय, वह यौगिक प्रकाशिक समवयता, प्रकाशिक समवयता दर्शाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर एक किरेल कार्बन होता है, काइरल कार्बन होता है, ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग ग्रुप से कंप्लीट होती है, ये कार्बन किरेल कार्बन कहलाता है, काइरल कार्बन। अब काइरल कार्बन में ध्यान दो, ये काइरल कार्बन जिसमें भी पाया जाएगा वो प्रकाशिक समवयता दर्शाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यहां पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। ठीक है, ध्यान देना। अब देखिये HGS मतलब है मर्क्यूरिक सल्फाइड का सूत्र, HGS मर्क्यूरिक सल्फाइड, HGS का मतलब मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, HGS का मतलब होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। यहां तक तो सबको क्लियर हो गया। ठीक है, HGS का मतलब मर्क्यूरिक सल्फाइड, और ZnO का मतलब जिंक ऑक्साइड, ZnO का मतलब होता है जिंक ऑक्साइड। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बीरवान सिंह नमस्ते, यहां तक ओके है। मर्क्यूरिक सल्फाइड HGS, जिंक ऑक्साइड ZnO, जिंक ऑक्साइड ZnO। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कैल्शियम कार्बोनेट या चूने का पत्थर, या इसे कहते हैं मार्बल। ठीक है, या इसे कहते हैं खड़िया, इसे खड़िया भी कहते हैं, चाहे चूना पत्थर कहो, चाहे मार्बल कहो, चाहे संगमरमर कहो, चाहे खड़िया कहो, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट कहो, सबका सूत्र होता है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट इसका अणुभार 100 होता है, अणुभार इसका होता है 100। ठीक है, इसका अणुभार 100 होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना पत्थर, मार्बल, खड़िया होता है। ठीक है, यहां तक ओके है। अब चीनी या शर्करा का सूत्र C12H22O11 होता है, ये सुक्रोज का फार्मूला है, शर्करा चीनी सुक्रोज, याद रखना ये C12H22O11 होता है, 296 पॉइंट नंबर हो गया ये C12H22O11। चलिए आगे देखते हैं, 297 नंबर पॉइंट, देखिएगा ध्यान से, यहां पर ग्लूकोज C6H12O6, फ्रक्टोज का भी यही होता है, फ्रक्टोज का भी यही सूत्र होता है, और सूत्र इसका भी यही होता है, C6H12O6 होता है, C6H12O6। ग्लूकोज में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है, जल्दी बताओ, ग्लूकोज में क्रियात्मक समूह बताओ, ग्लूकोज में क्रियात्मक समूह कौन सा होगा, जल्दी बताएं सभी लोग, फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा ग्लूकोज में, और फ्रक्टोज में पढ़ा भी चुके हैं, फ्रक्टोज में क्रियात्मक समूह बताओ, और ग्लूकोज में भी बताओ, ग्लूकोज लिख के बताओ भाई, ऐसे नहीं लिख दो कि एक में एल्डिहाइड एक में कीटोन, किसमें एल्डिहाइड और किसमें कीटोन, पूरा लिख के बताओ, किसमें एल्डिहाइड किसमें कीटोन, एक में एल्डिहाइड ग्रुप होता है दूसरे में कीटोन होता है, किसमें एल्डिहाइड किसमें कीटोन, किसमें एल्डिहाइड किसमें कीटोन, गुड्डू वर्मा कह रहे फ्रक्टोज कीटोन, और बताओ जल्दी से सब लोग, जल्दी से बताएं, किसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है और किसमें कीटोन ग्रुप होता है, जल्दी बताएं, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एल्डिहाइड होता है, और इसमें होता है कीटोन, फ्रक्टोज में कीटोन होता है, ये दोनों क्रियात्मक समूह समावयी होंगे, दोनों में समावयता जो होगी क्रियात्मक समूह समावयता ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्रियात्मक समूह समावयता होगी, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के आणविक सूत्र समान है, केवल इनमें क्रियात्मक समूह अलग अलग होगा, ये दोनों क्रियात्मक समूह समावयी कहलाते हैं,
क्रियात्मक समूह समावयी, क्लियर है सभी को? क्रियात्मक समूह समावयी फिटक्री, या इसी को कहते हैं पोटास एलम, इसी को कहते हैं पोटास एलम, फिटक्री को पोटास एलम कहते हैं, ठीक है। तो K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 2H2O पोटास एलम है, ये द्विक लवण होता है, द्विक लवण कहते हैं इसको, डबल सॉल्ट कहते हैं, ये द्विक लवण होता है, ध्यान देना, डबल सॉल्ट है ये, डबल सॉल्ट होता है। एक सामान्य लवण पोटेशियम सल्फेट है, दूसरा सामान्य सॉल्ट है एल्युमिनियम सल्फेट, दो डबल सॉल्ट मिलकर के, ये दो सिंगल सॉल्ट है नॉर्मल सॉल्ट मिलकर के डबल सॉल्ट बनाए हैं, द्विक लवण है ये, डबल सॉल्ट होता है, 24 अणु पानी होता है, 24 मॉलिक्यूल्स पानी होता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल, अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। यहां पर देखो सिंदूर वर्मिलन, सिंदूर का मतलब होता है वर्मिलन, अंग्रेजी में कहते हैं Pb3O4, इसको जो है रेड लेड कहते हैं, इसको रेड लेड कहते हैं, ठीक है। वर्मिलन रेड लेड Pb3O4 सिंदूर होता है, सिंदूर मतलब Pb3O4 जिसको रेड लेड कहते हैं, जिसको रेड लेड बोला जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है? अगर किसी को कोई डाउट हो बताओ। अब देखो इसके बाद आगे है, यहां पर सुहागा या बोरेक्स, बोरेक्स या सुहागा, इसका रासायनिक नाम है सोडियम बोरेट डेकाहाइड्रेट, ये जरूर लिखना, सोडियम बोरेट, ऐसे क्वेश्चन कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, सोडियम बोरेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट, सोडियम बोरेट डेकाहाइड्रेट, ये सुहागा या बोरेक्स होता है। देखो Na2B4O7 Na2B4O7.10H2O Na2B4O7.10H2O सोडियम बोरेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम बोरेट डेकाहाइड्रेट, बोरेक्स या सुहागा का सूत्र है, बोरेक्स या सुहागा, बोरेक्स अथवा सुहागा का फार्मूला होता है Na2B4O7.10H2O। ये सूत्र याद होना चाहिए, सुहागा का सूत्र क्या होता है, सुहागा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बोरेट डेकाहाइड्रेट होता है, सोडियम बोरेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम बोरेट डेकाहाइड्रेट। चलिए आगे देखते हैं, खाने वाला सोडा या इसी को बेकिंग सोडा कहते हैं, खाने वाला सोडा या इसी को बेकिंग सोडा कहते हैं, ठीक है। यह है सूत्र, यानी HCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा, सूत्र होता है NaHCO3, NaHCO3 होता है, ठीक है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये होता है धावन सोडा, इसको कहते हैं धावन सोडा या वाशिंग सोडा, इसको वाशिंग सोडा कहते हैं या धावन सोडा कहते हैं, वाशिंग सोडा या धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम देखो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट का मतलब 10 अणु पानी, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये हो जाएगा धावन सोडा या वाशिंग सोडा होता है, धावन सोडा या वाशिंग सोडा होता है, ठीक है, ठीक है। यहां पर फास्फोरिक अम्ल, आर्थो फास्फोरिक अम्ल क्या होता है, H3PO4 H3PO4 आर्थो फास्फोरिक अम्ल या फास्फोरिक एसिड, H3PO4 होता है, H3PO4 आर्थो फास्फोरिक अम्ल, H3PO4 आर्थो फास्फोरिक अम्ल, ठीक है, नोट करते जाना, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया फास्फोरिक अम्ल, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, ये पोटेशियम नाइट्रेट होता है KNO3, KNO3 का मतलब होता है पोटेशियम नाइट्रेट, और NaNO3, NaNO3 का मतलब होता है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट, दोनों सूत्र पता होना चाहिए।
आगे देखिएगा, पोटेशियम क्लोरेट KClO3, पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र याद रखो KClO3, पोटेशियम क्लोरेट है KClO3, गंधक का तेजाब H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल या अम्लों का राजा कहते हैं किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा H2SO4 हो जाएगा, गंधक का तेजाब H2SO4 और पोटेशियम क्लोरेट KClO3, ठीक है, क्लियर है इतना सबको, सूत्र सारे याद कर लेना, 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे आपके, है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये सब, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, इसको कहते हैं ग्लोवर लवण, इसका नाम है ग्लोवर लवण का सूत्र क्या है, Na2SO4.10H2O, ग्लोबल लवण मतलब सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम सल्फेट तो है 10 अणु पानी है तो कहेंगे डेकाहाइड्रेट हो गया, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट ग्लोबल लवण, इसे ग्लोबल लवण कहते हैं, ग्लोबल साल्ट होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होगा, तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, हेमी का मतलब आधा, देखो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 का मतलब कैल्शियम सल्फेट, हेमी का मतलब होता आधा, हाइड्रेट का मतलब पानी, हेमी हाइड्रेट, तो CaSO4.5H2O, या कभी कभी ऐसा लिखा होगा CaSO4 का होल ट्वाइस, है ना, .H2O, क्योंकि जब दो कैल्शियम सल्फेट एक वाटर मॉलिक्यूल से प्रतिभाग करेगा, एक कैल्शियम सल्फेट आधे मॉलिक्यूल से प्रतिभाग करेगा, इसका यह मतलब है, दो कैल्शियम सल्फेट एक मॉलिक्यूल वाटर से, एक कैल्शियम सल्फेट आधे अणु पानी से, प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, कभी कभी ऐसा लिखा मिल जाता ऑप्शन में, ठीक है, तो दोनों पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। आगे देखो यहां पर फेल्सपार, ठीक है, यहां पर CaF2 फेल्सपार हो जाएगा, और फिनॉल का बताया था, फिनॉल की प्रकृति अम्लीय होती है, नेचर अम्लीय होता है, ये होता है हाइड्रोक्सी बेंजीन, इसे हाइड्रोक्सी बेंजीन कहते हैं, ये हाइड्रोक्सी बेंजीन है, यह है हाइड्रोक्सी बेंजीन या फिनॉल, ठीक है, इसे फिनॉल कहते हैं, फिनॉल की प्रकृति लिख लो, इसकी प्रकृति क्या होती है अम्लीय, फिनॉल की प्रकृति क्या होती है अम्लीय होती है, ये सारे पॉइंट याद होने चाहिए, फिनॉल का नेचर एसिडिक होता है, C6H5OH फिनॉल है, C6H5OH ये फिनॉल होता है, हाइड्रोक्सी बेंजीन कहते हैं। अगला है यूरिया का सूत्र NH2CO NH2, ये यूरिया का सूत्र है, ये कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये कार्बनिक यौगिक है, ये पहला कार्बनिक यौगिक है जिसका निर्माण प्रयोगशाला में किया गया है, ध्यान दें, ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसका निर्माण सबसे पहले लैब में किया गया, यही है यूरिया NH2CO NH2, इसे कार्बेमाइड के नाम से जानते हैं, इसे कार्बेमाइड कहते हैं, यूरिया को कार्बेमाइड कहते हैं, इसका आयूपीएसी नाम जो होगा अमीनो मेथेनामाइड हो जाएगा। नाइट्रोजन का प्रतिशत इसमें जो होता 46.6% होता है। Kalak Pandit.